हमने फिश पकड़ ली है। ओह माय गॉड, ये इसको काबू तो भी होती है, तुम डाल लो इसके अंदर, हमने खाना है। नहीं देखे तो सही, बोला कैसे बनी पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं दरिया पे, जो जहाँ पे हम जाके चिड़ा फिश जो है वो ग्रिल करेंगे। और ये मेरे साथ राशिद बैठे हुए हैं, हेलो। ये राशिद हलवे और चाय खा रहे हैं। ये देखिए जी, और साथ में ये राशिद, आप क्या कर रहे हो साथ? ये मैं एफएक्स की ट्रेडिंग कर रहा हूँ साथ साथ एफएक्स की फॉरेक्स। ट्रेडिंग कर रहे हैं फॉरेक्स की। तो ये हमारे गाइस ने अगर इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। ये देखिए जी, तकरीबन लाखों रुपए आप तक कमा चुके हैं ये राशिद। ये जो हमारा राज है, क्योंकि हमें इतना चैनल की हमें ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे असल काम करते हैं। और ये चल रही है चाय, ये है हलवा, बहुत ही मज़े का है, वेरी टेस्टी। येलो ये बेसन का है, ये सूजी का है। दरिया पे जाके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ग्रिल करते हैं फिश। ग्रिलिंग के लिए हमने सामान ले लिए। अनु अभी रास्ते में है, अनु आने वाला है। अनु आता है तो फिर हम जाएंगे इकट्ठे बाइक्स पे और वहाँ पे बहुत लश किस्म के एनवायरनमेंट भी जाएंगे। वी आर ऑन द वे अब, और ये बहुत बड़ा खड्डा आ गया है गाइस। ये देखें, ये आवाम जब बीच में लगे किसी के तो फिर कहती है कि हाँ मैं जो है ना तकदीर ने मारा। और ये देखे, एक बच्चा छोटा सा है और वो पकड़ के बैठा हुआ है पीछे। ये आगे शाहपुर शहर, सो गाइस ये देखे, ये मेन रोड जा रही है खुशाब सरगोधा रोड, और ये यहाँ से इसके साथ हम टर्न हो रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ साइड पे चले जाते हैं, अगर कोई चीज़ अगर लेनी भी हो तो वो भी मिलेगी। हमने कोई चीज़ लेनी नहीं है, रोटियाँ। ये देखे जी, अंगीठी अनवार साहब के पास है, ये कोयले इसके पास है, और ये खुद भी अपने पास है। खुद क्या हो? आग, आग, फायर, फायर, आग हो। Oh my God! Look at guys, the fire on earth, on the bike. ये देखे। ये जी राशिद साहब ने लॉक लगा दिया है, और ये हमारा सामान, और ये हम बाइक ऊपर चढ़ा खड़े हो गए। ये देखे जी, ये पाइप हैं पानी वाले मोटे पाइप, और ये जो पुल है ये 1931 की ये पुल है, और ये यहाँ पे डेट मेंशन है इसकी। ये देखे 1931, कितना खूबसूरत व्यू है इसका। इसके साइड्स पे ये दरिया है। ये हमारी फर्स्ट वीलॉग प्लेस है, हमारी बर्थ प्लेस ऑफ द वीलॉग। अनुजी पार साहब, क्या कह लिया कि फेर रहे हैं आप लोग? अंगीठी है इसमें, बॉइल्ड कोले हैं, बॉइल्ड कोले हैं। और ये अंगीठी आप लंडे से ली है? ये लंडे से नहीं है, ये है इनकी दराज वालों की है, दराज वालों की। ओह माय गॉड, तभी इसका ये हाल है, देखे ना गाइस, दराज से मंगवाना। तो बाइक इधर ही खड़े रहेंगे आप? बाइक इधर ही खड़े, कोई बात नहीं। ये गाइस हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने बाइक्स की, ये हम खड़ा करके यहाँ पे जा रहे हैं। अगर कल को चोरी होता है हमारा, सॉरी आज को, तो ये इसकी नंबर प्लेट है 595, टूटा हुआ आधा। तो चले जी, चले लेट्स स्टार्ट। चिड़ा फिश लातादाद मकदार में अब आई हुई है, केपीके वाली साइड से ट्रैवल करती हुई यहाँ पे पहुँच चुकी हुई है, सलाबी इलाकों से होती हुई। तो आज हम चिड़ा फिश इंशाल्लाह खाएंगे। शाम के मनाजिर हैं, हमें पानी अभी इंडिया की तरफ से यहाँ पे आता है पानी। ये कवे वापस आ रहे हैं जी, कवे दिखा लें पहले। अच्छा, ये मैं बचपन में बड़े नोट करता था, मछलियाँ देख कर ना ये फौरन आ गया। इस पे एक शेर बना हुआ है, कौन सा भला अनवार? मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, ये परिंदे हमें बताते हैं कुछ ऐसा था। खैर, ये खैर मशरिक की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मशरिक की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। हमारे साथ एक और मगरबी राशिद मौजूद है। आपको शर्म नहीं आती ये अंग्रेजों का लिबास पहना हुआ है आपने? शेम ऑन यू, ये अंग्रेजों के ब्रिज पे क्यों खड़े हुए आप? चलांग मारे इधर से। वो पाकिस्तानी ब्रिज है गाइस, वो दूर, वो टूटने वाली है। और ये अंग्रेजों की ब्रिज है, ये अभी तक भी मतलब यहाँ से ट्रेन गुजरती है, ये रेलवे ट्रैक है यहाँ पे दरमियान में। ये भाई यहाँ पे सुसाइड करने लगे हैं, इनको देखते हैं हम सुसाइड करते हुए। सुसाइड तो नहीं करने लगे आप? यार भाई देख लेना, फिर हमारे जो है ना वीडियो में आप कवरेज हो रही हो। ये भाग गए हैं, वाकई करने लगे थे।
ये वाकई करने लगे थे, आप भागे जा रहे वो वहाँ पे एक शूट हो रहा है बहुत ही लश किस्म का जबरदस्त, ये भाई कह रहे हैं फोटो शूट द हीरो ऑफ दिस वीडियो। तो गाइस अभी हम यहाँ पे इसको तो बीच में नहीं आ जाएगी नहीं, तो अभी हमारे कोयले जल चुके हुए हैं, तो इसके बाद हम फिश ग्रिल करेंगे। तो गाइस ये हमने फिश पकड़ लिया है, चिड़ा फिश ये हमने पकड़ ली हैं, बहुत ही खूबसूरत होती हैं ये, कांटा फ्री फिश होती हैं। और ये हमारे पास एक और फिश ये वाली है, अभी ये भी जाल में ऐसे ही फंस गई है, और तीन ही फिश हमारे पास जो ग्रिल कर रहे हैं। अगर आपने बनानी हो फिश ग्रिल करनी हो तो उसके लिए रेसिपी नोट कर लें। तो अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके अलावा हमने गरम मसाला, धनिया, लाल मिर्च कुटी हुई, और थोड़ी सी जो है हमने वो ली है क्या कहते हैं उसको, धनिया पाउडर, और इसके अलावा एक अहम चीज़ कलवंजी वो, और इसके साथ एक बारीक बारीक और चीज़ होती है पीली पीली, वो क्या होती है दिखाएंगे तो पता चलेगा, शकरकंदी ली है जी। नहीं नहीं ये है जी सूखा धनिया। नहीं नहीं सूखा धनिया नहीं है, ये फिश के ऊपर लगता है मसाला, ये वाला ये जीरा है, ये जीरा नहीं है। इसको कुछ और क्या, ये होती है यार जो भी होती है तुम डाल लो इसके अंदर, हमने खाना है रेसिपी में लिख देंगे। और साथ में एक हमने इंस्टेंट फिश मसाला ले लिया है, एक टमाटर लिया है इसके ऊपर मतलब रखने के लिए, साथ में ऑनियंस जब फिश ग्रिल हो जाए उसके बाद, और ऊपर से हम डालेंगे नींबू। मेरे मुंह में पानी आ गया, तब तक सही बन जाए, और ऊपर से भी लगाएंगे हम। इसके अंदर भी वही हल्दी मिर्चें और सूखा धनिया मेथी और सारी चीज़ें मिक्स हुई होती हैं, लेकिन एक टेस्ट इससे डिवेलप हो जाता है। तो ये हम अंदर से भी लगाएंगे इस तरह से, ताकि ये जब ग्रिल हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी हमें। ये देखिए अंदर तक, ये आप समझ रहे हैं कि मसाला ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये जब ग्रिल होती है तो फिर आपको पता चलता है कि मसाला इतना ठीक है, क्योंकि ये आपने थोड़ा सा स्पाइसी रखना होता है। इसको हम मैरिनेट कर लिए हैं, तो ये इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ऐसी जगह पे कुकिंग करने का अपना ही मजा है, सुकून है बिल्कुल। यहाँ अब इसको करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये एक हमारी फिश यहाँ पे लग चुकी हुई है, एक दो और लकड़ियाँ लगा के रखेंगे यहाँ पे, और उसके ऊपर क्योंकि हमने फुल फिश फ्राई करनी है ग्रिल, तो वो हो जाएगी नो इशू। देखें अभी ये दूसरी फिश यहाँ पे रखने जा रहे हैं हम इसके ऊपर, ये देखें ये अब ग्रिल हो रही हैं फिश हमारी, ये हमारी सीखों का काम दे रही हैं लकड़ियाँ, साथ में जल भी रही हैं, तो हम लकड़ियाँ चेंज करते रहेंगे। ये देखे जी कितनी खूबसूरत, और देखे जी राशिद बहुत ही मेहनत करके ले आया, पानी भी भर लाया, वाह गुड यार, ये डंडी दे दो। फिश रह गई थी ये, निशान इसके दो पीस कर लें तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। ये कौन सी इनकी ना दो पीस मान लो इसको और नजदीक करो, रखने दिए ऐसे, अब ये आएगी इसके ऊपर। चलो अब इससे अच्छी तो नहीं बांध सकते, ये भी उठा लो। बड़ी मज़ेदार बनी है जी ये, हमने थोड़ा सा पीस, ये जो देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से ग्रिल हुई है, ज़बरदस्त टेस्ट होगा।
ये राशिद बहुत ही गुस्से में है। निशाना पलटा, बहुत गुस्से में राशिद। जाया ज्यादा हो रही है हमारे पलटाने के चक्कर में। नहीं पलट गई है। निशान, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी मछली बन रही है और इस तरह की क्रिएटिव कुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जब कोई चीज़ अवेलेबल ना हो, असल कुकिंग तो वही होती है। ये क्या बात, ओह सॉरी दोबारा, ये क्या बात है कि आप किचन में जाए हर चीज़ अवेलेबल हो और वहाँ पर जाके आप हर चीज़ बीच में से उठा के मिक्स कर लें। नहीं, अब आप अगर आपके पास जाए बना बनाया खाएं। राशिद, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये अच्छा लगता है, चुपचाप जाए होटल पे बना बनाया खाएं और घर, ना कोई बर्तनों का झंझट, ठीक है, ना कोई और चीज का झंझट। हमने दो चिड़ों से एक चिड़ा बनाया। ये देखें ऐसी मछली आपने कभी कहां से खाई है? एक मिनट सॉरी, ये देखें, अब ये देखें इसके ऊपर मैजिक। मैं कहता हूँ ये वो बाद में पकाएंगे। आप ये खाएं। तो जीशान, मैं कहता हूँ पहले आप टेस्ट करके हमें बताएं कि मैंने तो चेक कर लिया, क्योंकि इसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रहेगी। मजा आ गया। ये भी इसको रहने दो। नहीं, अर्शद साहब, चिड़े की जो है ना कंगी है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाल इनके माशाल्लाह बहुत बड़े हैं। पलटाऊं इसको मैं? ओके, अल्लाह हाफिज़। खूबसूरत तरीके से ग्रिल फिश हो चुकी है। ओ माय गॉड, अनवार व्लॉग साहब, और पीछे हमारे कोई भी नहीं है। देखे गाइस, गाइस आज जिन आएगा। हाँ बंदे हो गाइस, ये धुएं का भी अपना जायका है। हाँ, तो लोग कोयल स्मोक देते हैं, ये हम वही स्मोक दे रहे हैं इसको आज। बात नहीं, ये देखें गाइस, देखें गाइस, ये भी देखें, ये गर्म हीट है। अब तो मोटरसाइकिल पे लेके जाओगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।